हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आज एक वीडियो बना देती हूँ। इनसाइड की न्यू लिपस्टिक लॉन्च हुई है, तो मैंने इसे नायका से परचेज़ किया है। न्यू लॉन्च है ये, और ये 12 सेड में लॉन्च हुई हैं, तो अभी तो सारे आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं। एक दो सेड छोड़ के नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं। तो आप को मैं लिंक दे दूंगी, अमेज़ोन पे भी चेक कर लीजिएगा। नायका पे तो आउट ऑफ स्टॉक है एक दो सेट को छोड़कर। तो बात करते हैं लिपस्टिक की। तो पहले मैं बता दूं, मैंने मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं मीशो से कोरियन ईयरिंग का वीडियो बनाऊं, तो मैंने मंगा ली है। एक दो दिन में मैं वीडियो बना दूँगी, अपलोड कर दूँगी। तो पहले मैं इसका रिव्यू कर देती हूँ। तो ये है इनसाइट का लिप क्रीम है। ये हाइड्रोफीलिंग टेक्नोलॉजी विथ एंटी ऑक्सीडेंट मॉइस्चराइजिंग के साथ है। इसमें है नियासियामाइड, एवोकाडो ऑयल और कोकोनट ऑयल। तो हाइड्रेटिंग पर्पस से सारे ऑयल दिए हुए हैं। और नियासियामाइड का क्या समझ में नहीं आता, तो ये एवोकाडो ऑयल जो है, कोकोनट ऑयल है तो ठीक है। तो ये इसमें लिखा है डर्मोजोक्ली टेस्टेड यहाँ पे, और टॉक्सिन फ्री लिखा है, क्रुएल्टी फ्री लिखा है, तो 100% वेगन लिखा है। तो इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो ये सब इन सब से केमिकल फ्री है ये। और कुछ ये पिंक क्या बोल सकते हैं, पिंक ही लग रहा है, पिंक सा ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। और इसमें टॉक्स फ्री मेकअप ब्रांड विथ सेफ कार्ड बाय लिखा हुआ, तो और यूज़ कैसा करना है ये लिखा हुआ है। लॉन्ग लास्टिंग है, लिप क्रीम है विदाउट फ्रिक्वेंट टच अप लिप्स, मतलब कि आपको बिना टचअप नहीं करना पड़ेगा, लॉन्ग लास्टिंग है बता रहे हैं। और क्रीमी मैट फिनिश, इजी टू अप्लाई है, ट्रांसफर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, तो यहाँ दिया हुआ है। इसकी नेटो क्वांटिटी है 5.5 ग्राम, जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी है। 424 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी, और 327 में ये एक्सपायर होगा, और 1999 का इसका प्राइस है, और आपको कम प्राइस में इससे मिल जाएगा। इसमें ऐसा ही सब कुछ दिया हुआ है। इसमें सेड मेरा एक है 11 नंबर सेड है, ओसॉन करके पता नहीं ऐसे नेम दिया हुआ है कि पढ़ने में मिस्टेक ना कर दूं। तो और ये सेड नंबर 11 है, ये सेड नंबर 2 वो है इनायना करके कुछ, इनायना हाँ 2 और 11 सेड है मेरे पास। तो जो ऊपर की पैकेजिंग हो चुकी, मैंने नेट क्वांटिटी बता दी और एक्सपायरी डेट सब कुछ यहाँ मेंशन है। अब मैं इनर पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ। तो इनर पैकेजिंग इस तरह से है, एक ब्रांड में इस तरह से आया हुआ था, तो वैसा ही है। और इसमें भी लिखा है इनसाइट लिप क्रीम हाइड्राफीलिंग टेक्नोलॉजी विथ, वही सब दिया हुआ है। इसमें भी एवोकाडो ऑयल यहाँ सब मेंशन है, बट ये सब मेंशन कर सकते थे, एक्सपायरी डेट भी मेंशन कर देते, बट वो नहीं मेंशन है। यहाँ ऐसी कैप लगी है सिल्वर काइंड, और यहाँ सीड नंबर और नेम दिया हुआ है, और यहाँ आप कलर दिख जाएगा जो कलर होगा लिपस्टिक का। तो ये मैंने 11 निकाला है, और ये है 2 नंबर, और ये 2 नंबर है। तो ये डार्क थोड़ा शेड है, न्यूड ही है, न्यूड पिंक, ये थोड़ा लाइट शेड है। तो बाद में चलिए इसकी लिप क्रीम की बात करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मैं आपको दिखाती हूँ माइनस क्या है वो भी मैं बताऊँगी। तो ये है देखिए, तो काफ़ी पिगमेंटेड है और क्रीमी सा टेक्सचर है, आप सब देख सकते हैं। कलर भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसका लिप स्वाच करके दिखाती हूँ, और मुझे इसमें क्या नहीं अच्छा लगता वो मैं आपको बताती हूँ।
तो मैं शेड नंबर 11 अप्लाई करने वाली हूँ और ये है इसका हैंड स्वाच। सो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, कुछ इस तरह से इसका शेड है। इसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, पता नहीं क्यों। मैं ये जैसे लिक्विड लिपस्टिक मैंने पहले भी इनसाइड की जो आई थी लगाती हूँ तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, वैसा मेरे लिप्स पे होता है ये। और काफ़ी क्रीमी है और ज़रा भी क्रीज लाइन नहीं है, बहुत स्मूथली अप्लाई होती है। और अभी ट्रांसफ़र कर रही है, अभी ड्राई नहीं हुई, ड्राई होने में टाइम लेती है। तो इसके फिर मैं बताती हूँ दोनों सेट अप्लाई करने के बाद कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं। सो टोटल ट्रांसफ़र प्रूफ होने में ये 10 से 15 मिनट तो ले ही लेता है, फिर भी ये हल्का से आ रहा है। इतना टाइम मैंने ड्राई होने का दिया, लेकिन कुछ देर में टोटल हो जाएगा ये, बट ये स्मच तो कर रहा है अभी। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और लाइट वेट है और हल्का फुल्का सा स्टिकी है, हल्का सा क्योंकि ये नॉन ड्राइंग फार्मूला है तो उसमें हल्का सा स्टिकनेस है, हल्का सा जो थोड़ी देर में एकदम कम हो जाता है। और ऐसी लिप क्रीम जो होती हैं उनको अप्लाई भी, ये बहुत पिगमेंटेड है, अगर आप ज़्यादा लेयर अप करोगे तो ज़्यादा स्टिकी लगेगा आपको, बट ज़्यादा स्टिकी ये नहीं है, हल्का सा है। तो मैं सेकंड सेट दिखाती हूँ। तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ सेट नंबर 2, जो कि बहुत ही प्यारा सेट मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा सेट है, मुझे ऐसे सेट बहुत पसंद आते हैं। मैंने एक्सेस जो है वो निकाल लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसे आप डैप मोशन में भी लगा सकते हैं। फोन में देख के लगाना। सो इसे ट्रांसफर हो प्रूफ होने में कम से कम 10-15 से मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं, तो नहीं तो हल्का फुल्का ये ट्रांसफ़र करती रहती है तुरंत लगाने पे। तो क्योंकि ये लिप क्रीम है तो थोड़ा टाइम लेती है, लिप क्रीम जो होती हैं वो थोड़ा टाइम लेती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे मैं इसकी जो प्लस बातें हैं वो बताती हूँ, पैकेजिंग भी अच्छी है, जैसा इसका प्राइस है उस हिसाब से इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और इसकी आउटर पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और काफ़ी कंफर्टेबल है, लाइट वेट है और मतलब क्रीज लाइन बिल्कुल नहीं, नॉन ड्राइंग फार्मूला है। और बहुत ज़्यादा लेयर अप करके इसे मत लगाइए लिपस्टिक को, अगर मेबलिन को भी बहुत ज़्यादा आप लोग लेयर अप करके लगाओगे तो वो स्टिकी लगती ही है, तो स्टिकी तो मुझे नहीं लग रही उतनी, मुझे ना के बराबर लग रही है। बट नॉन ड्राइंग फार्मूला बहुत अच्छा है, बट इसमें एक ही बात है जो मुझे, दो बातें हैं जो तो अच्छी नहीं लगी और सारी तीन बातें हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती हैं, जो मैंने पहले भी इनसाइड के लिए थी वो बस मुझे फ्रेग्रेंस नहीं पसंद आती हैं, फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं या बोल सकते हैं खुशबू जिसे कहते हैं, वो मुझे स्मेल में अंतर बता दीजिएगा तो जिनको जानकारी हो। तो ये जो है मुझे बिल्कुल भी, मतलब इसकी जो खुशबू है बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। दूसरी बात है तो इसमें थोड़ी सी इनसाइड पे थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिख देते तो हमें ये रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तीसरी ये कमी है। चौथी ये है कि मैंने इसको लगाकर बस दाल चावल ही खाया था, मैं वो पिक्चर लगा दूँगी और ये यहाँ से पूरी हट गई थी। तो इस पे मैंने लेयर अप ज़्यादा किया है तो ये स्टिकी लग रही है, ज़्यादा लेयर अप करेंगे तो ये स्टिकी लगेगी। तो हो सके तो लेयर ज़्यादा मत लगाइए,
जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अगर स्टिकी होगा तो। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्टिकनेस है तो अच्छी है। और मैंने दो बता दिए, इसकी खुशबू मुझे नहीं अच्छी लगी। यहाँ पे इसका मैंने फर्स्ट एक्सपायरी डेट नहीं दिया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा, आप जैसे थोड़ा बहुत खाते पीते हो तो ये हट जाती है, बहुत उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जैसे एक आम लिप क्रीम होती है वैसी ही ये है। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए मैंने इस पर लेयर अप ज़्यादा कर लिया, वो वाला नहीं हो रहा था, ये स्टिकी लग रहा है। तो हो सके तो इसकी लेयर कम लगाइए आप लोग। तो ये था मेरा इसकी विषय में रिव्यू, और मैं वो पिक्चर लगा दूँगी जिसमें मैंने बस दाल चावल खाया था और ये हट गई थी। और मैं दिखाती हूँ कि ये क्या कप पे ट्रांसफ़र हो रही है। सो ये मेरे लिए चाय आई है, हल्का हल्का सा ये यहाँ पे लग रहा है क्योंकि अभी ये हल्का हल्का सा तो ट्रांसफ़र प्रूफ है और टोटली नहीं कर सकते बट 98% कह लीजिए तो ये स्मच प्रूफ है। तो क्योंकि अभी ट्राई नहीं हुई है तो आप खाते पीते हो तो ये यहाँ से निकल जाती है। तो फ्रेंड्स ये था इसके विषय में रिव्यू। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।